पिछली वीडियो के बाद मैं ये प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट आपके समक्ष लेके आया हूँ साथियों। तो आइए शुरू करते हैं इसको। 336 और 54 है ये। इसमें आप देखो, इसके हमने गुणनखंड किए, इसके भी गुणनखंड किए साथियों। और गुणनखंड करने के बाद मैंने आपको लासा और मासा निकालना बताया था, पुनः बता देता हूँ। लासा जो कि दोनों में कॉमन हो या ना हो फिर भी आता है, और जो मासा होता है वो जो दोनों में कॉमन होगा तभी आपका आएगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। मासा 3 की पावर जो 4 है, और यहाँ पर 3 है, 3 पहले 2 की बात कर लेते हैं। 2 की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 ही आएगा। और 3 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ से 3 बनेगी इस टाइप से। और लासा कितना बनेगा, 2 की पावर 2 मैक्सिमम पावर, और यहाँ पर भी ये मैक्सिमम पावर इस टाइप से। अब वही आप चेक कर सकते हो, लासा गुणा मासा, लासा कितना है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा, और मासा कितना है 2 गुणा 3 की पावर 3। आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इक्वल ही आएगा। ठीक है साथियों, ये वर्क मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है लासा और मासा पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा एलसीएम तथा एससीएफ ज्ञात करना, एलसीएम तथा एससीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ से, 12, 15 और 21 बहुत ही आसान है साथियों, बता देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले यही सिखाया था, 12 के गुणनखंड कितने होंगे, मौखिक कर सकते हैं आप लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 के गुणनखंड 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितने बचे, 4, 4 को कितने से डिवाइड हुआ, 2 दूनी 4। 15 की गुणनखंड कीजिए आप लोग, 3 पंजे 15। 21 के गुणनखंड कर लीजिए आप लोग, 3 सत्ते 21। अब देख लीजिए गुणनखंड आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, जो तीनों में कॉमन हो वो आपका मासा हो जाएगा एससीएफ, और जो कॉमन ना हो वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, 3 तो आना ही है ना, 2 2 बार लिखा हुआ है, 2 भी आना है, और 5 भी आना है, और ये 7 भी आपका आना है। तो बस ये आपका आंसर, बहुत ही आसान है साथी। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट इसका, इसका जो है ये प्रश्न नंबर 3 चल रहा है, तीसरे का दूसरे पार्ट की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 17, 23, 17, 23 और ये 29 बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, और हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखना है। गुणनखंड कीजिए 17 के, कितने गुणनखंड होंगे 17 के, कर सकते हैं आप गुणनखंड, नहीं होंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या। 23 के गुणनखंड कीजिए, नहीं हो सकती। 29 के कीजिए, कोशिश करिए आप लोग, नहीं होंगे। चलो एस सी एफ और एल सी एम निकालना बहुत आसान है, एस सी एफ और एल सी एम आप ध्यान से समझ लीजिए एक ही लाइन में। जब किन्हीं संख्याओं, मतलब 2 से अधिक संख्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड लिखे हों, कहने का मतलब उसमें कुछ भी कोई भी संख्या कॉमन ना हो, किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, और वह संख्या एक से ही डिविजिबल हो सभी, तो उनका मासा हो जाएगा, और यहाँ से ये एक हो जाएगा, और लासा कितना हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, सबकी आप गुणा कर दीजिए, बस हो गया आपका।
तो आप समझ चुके हो इसको, जब भी संख्याओं में कॉमन ना आए, उनकी अभाज्य गुणनखंड ना हो, तो आप समझ जाइए मासा एक होगा और लासा उनकी मल्टीपल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट इसका, 8, 9 और ये 25। मैंने गुणनखंड आपको मौखिक रूप से सिखाए थे, मौखिक रूप से सिखाए थे इसके गुणनखंड मैंने 8, 9 और 25। 8 की गुणनखंड कर लीजिए, 9 की कर लीजिए, 25 कर लीजिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से गुणनखंड करने के बाद हमें कुछ भी कॉमन मिलने वाला है, क्योंकि 8 के गुणनखंड 2 के रूप में होंगे, 2 के रूप में इसके पास नहीं है। 9 के गुणनखंड करोगे तो 3 के रूप में होंगे, जो कि इसके पास नहीं है। और 25 करोगे 5 के रूप में, जो इन दोनों के पास नहीं है। तो आप देखोगे जब कॉमन ही कोई नहीं होगा तो मासा कितना होता है? 1 होता है। जब भी कॉमन इन संख्याओं में ना हो तो मासा कितना होता है? 1 होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था। और लासा एलसीएम कितना होगा? आप सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 5 6 200, 200 के 00, और जो 2 बच्चे और 9, ये 9 2 18, बस हो गया आपकी मल्टीप्लाई। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, एचसीएफ दिया हुआ है इनका, एचसीएफ 306.657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। इसका मतलब 9 से ये दोनों विभक्त होंगी संख्या। एलसीएम कह रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है, फाइंड आउट एलसीएम। ठीक है साथियों, चलो कर लेते हैं इसको हम लोग। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या फार्मूला बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं इसको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। ये सूत्र है आपका, लासा कितना है इसका पता नहीं है, लेकिन मासा कितना है? 9 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 9 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 9 7 63, 2 बचे 9 3 27। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 306 × 73 हो जाएगा एलसीएम। गुणा करके देख लीजिए, मुझे उम्मीद है गुणा में किसी साथी को दिक्कत नहीं होगी, तो आप गुणा करके जो है देख लीजिए। चार नंबर के बाद 5 नंबर कह रहा है आप लोगों से, पांच नंबर कह रहा है जांच कीजिए, कह रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए संख्या ये है आपकी, छ की पावर एन शून्य पर समाप्त होगी। शून्य पर समाप्त होने का मतलब समझते हैं आप लोग, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होना, उसको कहते हैं शून्य पर समाप्त होना। तो चलो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, आप समझ जाएंगे खुद भी। अच्छा, 0 कब आता है? 0 हमेशा तभी आता है जब 2 और 5 की गुणा की जाती है। आप नोट करके भी ले सकते हो,
शून्य हमेशा दो और पांच की गुणा करने पर प्राप्त होता है। दो और पांच गुणा करने पर ही शून्य प्राप्त होगा। अब आप कहोगे कि 10 से गुणा, तो 10 भी तो दो और पांच से बनता है। तो यहां से बिल्कुल प्री स्टेज में आप देखोगे दो और पांच से गुणा करने पर शून्य बनता है। अब 6 के आप गुणनखंड देख लीजिए, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड होंगे 2 और 3। तो मुझे आप बताइए 2 और 3 की कितनी भी पावर लगा दीजिए, 2 की आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 0 आपको प्राप्त होगा। 3 की कितनी पावर लगा दीजिए, 3 3 9, 3 4 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, कभी भी आपको जो है किसी भी स्थिति में आपको शून्य प्राप्त नहीं होगा। आप देखते हो 3 दूनी 6, आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, मैंने 6 की पावर 1 लगा दी कुछ देर के लिए, 6 एकम 6, 6 की पावर 2 लगा दी, 6 6 36, 6 की पावर 3 लगा दी, 216, आपको शून्य प्राप्त नहीं हुआ, कितने भी कोशिश कर लीजिए आप लोग। और ये कह रहा है कि शून्य पर समाप्त होगा, तो आप कह सकते हो 6 की पावर n, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस हो गया आपका, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं है। इस प्रकार 5वां प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे होंगे मुझे उम्मीद है, जिससे कि आप जो जो भी दिक्कत हो आप अपने जो लिखते रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज लिखते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरी किताब आपको कराऊंगा सिस्टम से। ठीक है साथियों, सभी वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए सात गुणा ग्यारह, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? ये कह रहे हैं भाज्य संख्या क्यों? चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं कुछ देर के लिए गुणा करूं इन संख्याओं में, इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको? 13 कॉमन है नहीं? 13 कॉमन ले लीजिए, इस संख्या को लिख लेते हैं पहले हम लोग। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 13 कॉमन है, तो यहाँ से 7 गुणा 11, यहाँ से 13 जब कॉमन ले लिया तो एक ही बचेगा, और यहाँ पर भी जब कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 11 7 77 और कितना हो गया? 78। तो यहाँ पर 13 का जब मल्टीपल है तो सीधी सी बात है कितने से डिविजिबल होगी ये संख्या? 13 से भाज्य होगी। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। आप 5 जो कॉमन ले सकते हैं उसमें से, तो यहाँ से बचेंगे 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस का 1। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और नहीं भी करें तब तो भी चल जाएगी कहानी ऐसे। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 2 3 6 6 6 24 और 24 7 168, 168 की मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है? 6 से करना है, तो आप देख सकते हो। और एक जोड़ना भी है, एक जोड़ना भी है। तो मैं 6 8 48,
6×6 36 और यहाँ से 6×8 48 हो चुके, 6×6 36 और 4 40, 6×6 और 4 10 और एक और जोड़ दो आप लोग 1000, यहाँ से 9। तो ये संख्या कितने से डिवाइड लग रही है आपको? 5 से डिवाइड है। तो कह रहा है जांच कीजिए, तो जांच हमने कर दी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपकी जांच हो गई कि ये संख्या कितने से, 13 से विभाज्य, आप ले सकते हो 13 से विभाज्य होगी। और ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो बस हो गई जांच आपकी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब भी आपको एक गोल चक्कर की बात आए, जब भी आपको एक गोल चक्कर की बात आए, जब भी आपको किसी घंटियों की बात आए, जब भी किसी भोंपू की बात आए, तो आप समझ जाना लासा ही निकल रहा है। तो आज मैं बता दे रहा हूँ आपको लासा की स्थिति कितनी होती है। चाहे एक गोल सर्कल की बात हो रही हो, चाहे घंटियों की बात हो रही हो, चाहे भोंपू की बात हो रही हो, चाहे किसी जो सड़क होती है उस पर जो लाइट लगी होती है उसकी बात हो, तो इन सभी स्थितियों में क्या निकलता है? लासा ही निकलता है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। सोनिया द्वारा लिया गया समय, टाइम टेकन सोनिया कितना हो गया? 18 मिनट, मतलब 18 मिनट। और रवि को कितना समय लग रहा है? रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो गया ये बताया ना, 12 मिनट। आप लासा निकाल लीजिए 18 और 12 का, गुणनखंड कर लीजिए 18 के। काटने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ पुनः आपको, कितने से कट रही है ये संख्या आप अनुमान लगाइए। 8 और 1 9, 3 से भी डिवाइजिबल है और 2 से भी है, 2 से काट देते हैं। 2 2 9 18, कितने बचे? 9। 9 कितने से डिवाइडेबल होगी? 3 से, 3 3। उसके बाद 12, 2 से काट दो 2 6 12, 6 बचे, 6 फिर 2 से कटता है 2 3 6, इस टाइप से। अब आपको क्या चाहिए? लासा चाहिए। दो जो है दोनों में आई गई, और डबल 12 तो डबल 12 आएगा, और 3 3 देखो यहाँ पर 2 12 यहाँ 1 12, तो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 9 3 18 18 2 36 मिनट। कितने मिनट बाद मिलेंगे बोलो? 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आप लिखोगे 36 मिनट बाद वे मिलेंगे, 36 मिनट बाद वे मिलेंगे, 36 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो कैसी लगी साथियों वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए आप। और नेक्स्ट वीडियो 1.3 एक्सरसाइज के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।